नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे आप, पढ़ाई कर रहे होंगे, लगातार पढ़ते रहिए, पेपर्स देखते रहिए, प्रीवियस पेपर्स मैं लगभग आपको पढ़ा ही रहा हूँ लगातार जीएस के। और लेकिन ये वाला जो पेपर मैं डिस्कस करूँगा वो हिंदी का पेपर, वर्ष 2018 में हिंदी का जो पुलिस का पेपर था, हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न थे, कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको इस पेपर को डिस्कस कर देता हूं। और एक एक प्रश्न को आप देख लीजिए, उसी के आधार पर आपको हिंदी के टॉपिक्स उठा करके पढ़ने हैं और उसी आधार पर तैयारी करनी है। पुराने पेपर देखना बहुत ज़रूरी है आगे के पेपरों को सॉल्व करने के लिए, उससे एक आपको नॉलेज होगी, ज्ञान तो होगा ही कि भाई कहाँ पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है ना। तो हिंदी के डिस्कस करते हैं सभी 38 प्रश्न जो पूछे गए थे, तो अंत तक बने रहें और शेयर करें क्लास को। तो देखिए 2018 में था ये, हिंदी का सेट था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पूछा था, टेंस से पूछा था, काल से पूछा था। काल मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं आप जानते हैं। और काल में कौन से पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं वर्तमान के बारे में और एक भूत और एक भविष्य। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं, इस वजह से होगा होगी पे तो जाते नहीं हम। एक तो भूत जो पास्ट में हो गया, वर्तमान जो चल रहा है इस समय हमारा, है ना। तो हमेशा आप भी सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है आपको कहाँ पे करनी है, वर्तमान में करनी है। तो काल से एक प्रश्न पूछा गया था हिंदी में, टेंस से मतलब है ना, उदाहरण देता है और वो तो ऑप्शन दे करके पूछता है एग्जाम वाला। उसने लिखा था लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो इसमें कौन सा काल होगा, इसमें ही डाल दो सर, है ना, कौन सा काल होगा, वाक्य का काल बताइए, ये पूछा था। तो काल वाला चैप्टर देख लीजिएगा, ये चैप्टर हिंदी के टॉपिक में यूपी पुलिस में शामिल है। पढ़ी है तो आप लगा लीजिए आंसर क्या होगा, पढ़ी है तो पढ़ी किस में जाएगा, पढ़ी है वर्तमान में जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्तमान। वर्तमान में भी कई होते हैं, जैसे संभाव्य वर्तमान होता है, संदिग्ध होता है ना, तो वर्तमान में भी कई ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि पुलिस के पेपर। लेकिन पुस्तक पढ़ी है तो आंसर यहाँ तक इसका क्या लगना चाहिए, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, ठीक है जी। तो पहला टॉपिक है, पहला प्रश्न पूछा गया इस 2018 के पुलिस के पेपर में हिंदी से, टेंस से पूछा गया काल से। दूसरा प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द कैसा है, तद्भव। तद्भव कौन से शब्द होते हैं, जो हिंदी वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका संस्कृत से परिवर्तन होकर के हिंदी में हम पढ़ते हैं, और जो शब्द संस्कृत से आते हैं उन्हें तत्सम शब्द पढ़ते हैं हम, है ना। तो चार ऑप्शन थे उसमें, आप इनमें से उदाहरण बताइए। तो कहने का मतलब यह था तद्भव और तत्सम वाला भी टॉपिक आपको पढ़ना है, पुलिस में शामिल है 2023 के में और पुराने पेपर में भी पूछा गया। तो इसमें क्या शब्द था, ये आशा था, वाकी के तत्सम शब्द इसमें लिखे थे सही आंसर में, ठीक है। अगला प्रश्न विलोम शब्द से पूछा, शीत का विलोम शब्द बताइए, शीत का विलोम शब्द। वैसे भी शीतकालीन व्यवस्था चल रही है इस समय, आपको बताइए जो मौसम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है हमारा, सर्दी वाला। इस सर्दी में आपको वर्दी पहननी है तो उसके लिए अथक मेहनत, अथक प्रयास और पूरी प्लानिंग से आपको पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक पुराने पेपर के क्वेश्चंस को देख करके तैयार करना होगा आपको। प्रश्न छूटेगा नहीं, प्रश्न गलत नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मार्क्स उसी के ज़्यादा आएंगे जो बिल्कुल प्लानिंग से पढ़ेगा, नपातुला पढ़ेगा बिल्कुल, ठीक है। तो शीत का विलोम शब्द ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था, उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है भैया, गर्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या तैयार करना है, एक विलोम शब्द भी तैयार करना है ना, क्या तैयार करना है, विलोम शब्द। अगला प्रश्न पूछा था अनेकार जैसे शब्दों में अर्थ पूछा था, कर, कर शब्द दिया था, कर का अर्थ नहीं होता है ये पूछा था। तीन ऐसे थे जो होता है, जैसे हस्त था, हाथी था और टैक्स था। जैसे ऑप्शन दे रखे थे, एक हस्त लिख रखा था, एक हाथी लिख रखा था, एक टैक्स लिख रखा था। तो करके ये तो अर्थ होते हैं, लेकिन क्या अर्थ नहीं होता है, सूर्य अर्थ नहीं होता है। तो ये आंसर था इस 2018 के पेपर में, तो ये टॉपिक भी आपको एक याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था जो कठिनाई से मिलता हो, ये कौन सा अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ने हैं। जो कठिनाई से प्राप्त होता, जो कठिनाई से हमें प्राप्त हो तो उसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में अनेकार्थी शब्दों में, तो अनेकार्थी शब्दों वाला तो क्या बोलेंगे, ये आंसर था। आप जानते हैं जो कठिनाई से प्राप्त हो या मिले उसे क्या बोलेंगे, दुर्लभ बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, दुर्लभ, ये आपके सामने लिखा है। अगला प्रश्न पूछा था हिंदी में अनिल और अनल, ये होते हैं भिन्नार्थक शब्द, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, भिन्नार्थक शब्द बोलेंगे ये वाले टॉपिक को। अब इससे समझ रहे हैं भिन्न अर्थ, भिन्नार्थक का मतलब इसे एक शब्द में तोड़ लीजिए और इसे अर्थ में तोड़ लीजिए, मतलब ऐसा शब्द जिसके अर्थ कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो ये वाला टॉपिक था, अलग अलग हो उसी को क्या बोलते हैं, भिन्नार्थक बोलते हैं भाई साहब, ठीक है भैया।
तो ये पूछा था क्वेश्चन अनिल और अनल, इनके अर्थ बताने थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अनिल का मतलब आप जानते क्या होता है, अग्नि होता है, और अनल का मतलब क्या होता है, वायु होता है। ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द इसमें लिखा हुआ है पर्यायवाची के तौर पर बात करें, और अनल का मतलब क्या होता है, वायु। ठीक है, तो ये भिन्नार्थक शब्द से आया। एक एक टॉपिक उसी हिसाब से तैयार करना है आपको, जैसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। कोई दिक्कत लगे तो आप पूछिएगा, वैसे तो जीएस हम पढ़ाते हैं लेकिन हिंदी का पेपर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा है पराजय में उपसर्ग बताना है। अब उपसर्ग आप जानते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो शब्दों के काय में लगे रहते हैं, आगे वाले शब्दों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे उपसर्ग बोलते हैं। प्रथम पद में जो इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो द्वितीय पद में या अंतिम पद में इस्तेमाल किया जाता है, उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पढ़ने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक में शामिल है, इससे प्रश्न आएगा। अब ये देखो पराजय पूछा है, पराजय में उपसर्ग बताइए, तो प्रथम पद बताना है हमें इसमें, पराजय में उपसर्ग कौन सा शब्द है। ठीक है, अब पराजय को कक्षा 5 से पढ़ रहे होंगे, कक्षा 6 से पढ़ रहे होंगे, और पुलिस के पेपर में भी आया है। वही हिंदी है, कोई अलग हिंदी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है हिंदी में। हिंदी को समझ लो और पढ़ लो अच्छे से आराम से। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें आंसर, क्या आ जाएगा, परा हो जाएगा। पराजय में उपसर्ग क्या हो जाएगा भैया, परा, बात खत्म। अगला प्रश्न पूछा लिखावट। जी लिखावट तो मैं कक्षा 3 से देख रहा हूँ, जो लिखावट है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। अगर हिंदी आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो ये शब्द तो आपको देखने को मिल रहा होगा। अब ये पुलिस के पेपर में भी पूछा है, लिखावट में प्रत्यय बताइए कौन सा है। लिखावट में प्रत्यय क्या होगा, अब प्रत्यय कैसे कहते हैं, अंतिम पद छांटना होता है इसमें, क्या छांटना होता है, कोई बात नहीं, लिखावट है वो, है ना, लिखने में गलती होगी उसमें, क्या शब्द है, लिखावट। कई बार उधर गलत हो जाती है लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखना है हमें, इसे हटा दो और क्या बनाना है, खा। लिखावट में प्रत्यय क्या आ जाएगा, आवट, ये आवट आ जाएगा। तो कौन सा और टॉपिक तैयार करना है आपको, उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। संधि का प्रश्न आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, जैसे महोत्सव में पूछ लिया है, महोत्सव में संधि विच्छेद कीजिए, तो महोदन उत्सव होगा इसका, महोदन उत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद, इसे एक बार चेक भी कर लेना, वैसे महोदन उत्सव ही होगा इसका, है ना। मैंने घर जाना था, इस वाक्य में अशुद्ध क्या है, अशुद्ध और शुद्ध भी ध्यान रखना है आपको, ये भी टॉपिक है हिंदी का, अशुद्ध और शुद्ध। मैंने घर जाना था या मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, तो अशुद्ध क्या है इसमें, मैंने शब्द है, ये अशुद्ध है इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, या मुझे घर जाना था, तो अशुद्ध और शुद्ध भी। अगला प्रश्न किससे पूछा है, समास से पूछा है, देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्व पुरुष, देश की भक्ति, देश की भक्ति करना, देश के प्रति भक्ति करना, है ना, तो कौन सा समास है इसमें, तत्पुरुष। और तत्पुरुष की परिभाषा क्या होती है, जिसमें दोनों पद कैसे होते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तत्पुरुष की परिभाषा कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए यदि आप परिभाषा जानते हो तो, और समास कितने प्रकार के होते हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, ये वाच्य से आया था, जैसे भाववाच्य होता है, कर्तावाच्य होता है, और कर्मवाच्य होता है। पुस्तक पढ़ी जाती है तो कौन सा वाच्य हो गया इसमें, कर्मवाच्य हो गया, आंसर क्या था इसका, कर्मवाच्य हो गया। पुस्तक पढ़ी जाती है तो वाच्य भी पढ़ने हैं आपको, कर्तावाच्य भी पढ़ना है, भाववाच्य भी पढ़ना है, और कर्मवाच्य भी पढ़ना है। तो एक नंबर आपका पक्का, एक नंबर का मतलब दो नंबर पक्के, एक प्रश्न दो नंबर का होगा। ठीक है सर, अब इनमें से कौन सा अव्यय शब्द है, अव्यय कौन से शब्दों को बोलते हैं, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, अविकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द हिंदी में कहा जाता है भाई साहब। ठीक है भैया, तो देखिए प्राचीन को क्या बोल सकते हैं हम, परिवर्तन हो सकता है प्राचीन में, हो सकता है, प्राचीन का क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, नूतन हो जाएगा, मोटा का पतला हो जाएगा, गरीब का अमीर हो जाएगा, और का क्या होगा, और का कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या था इसका, अव्यय में और होगा, मतलब और को बदल नहीं सकते हम। अगला प्रश्न पूछा, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होगा,
हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होगा? तो पूर्ण विराम ऐसे लगाते हैं, लिख लो, देख लो, विराम वाले क्वेश्चन भी याद रखने, कोई बात नहीं, पूर्ण विराम ऐसे लगाते हैं, पूर्ण विराम ये वाला, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह पूछा था, ठीक है। अगला प्रश्न, एक मुहावरे से दूध का धुला होना, क्या पूछा है? मुहावरा, किसका धुला होना? दूध का धुला होना का अर्थ बताइए मुहावरे का। तो क्या बोल सकते हैं, निर्दोष होना या निष्कलंक होना, कुछ भी कह लीजिए। दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना, ठीक है, या निष्कलंक होना भी कह सकते हो आप, दूध का धुला होना। आगे एक लोकोक्ति पूछिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है ये, इसका अर्थ कीजिए। चार ऑप्शन पूछे थे लोकोक्ति के, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर व्यक्ति होता है, जो सर्वशक्तिमान व्यक्ति होता है, वो अपना काम आसानी से निकलवा लेता है और करवा लेता है, इसी का मतलब जो होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप देख रहे हैं ना, जो बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, प्रश्न वही है भाई साहब, कोई अलग नहीं है, कोई अंत नहीं है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, हिंदी 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 कुछ नहीं, एक तो पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो छोड़ के आ जाते हैं, और फिर बीच में चार छः साल का गैप देते हैं, और गैप के बाद फिर दोबारा पढ़ते हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन है वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सारे प्रश्नों में कुछ अलग नहीं है। वीर रस में स्थाई भाव पूछा था, वीर रस का स्थाई भाव बताइए, तो वीर की बात हो रही है, तो आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, वीर रस में लॉजिक से लगा सकते हैं, तो वीर रस का स्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वैसे रसों की संख्या कितनी है? आठ। और भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार रसों की संख्या नौ होती है, और रसों का राजा बोलते हैं श्रृंगार रस को, रसों का राजा श्रृंगार रस को बोलते हैं, और श्रृंगार शुद्ध वर्तनी में लिख के दिखाओ कमेंट बॉक्स में फटाफट, कई बार पूछा गया है श्रृंगार शुद्ध वर्तनी आता रहता है, कवयित्री का शुद्ध वर्तनी लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में, आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी लिख के बताइए, ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी लिख के दिखाइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप चेक किया जाएगा, ठीक है। ये शुद्ध वर्तनी का भी प्रश्न आपको याद रखना है। तो दोहा के पहले चरण में मात्राएं पूछी थी, अगला प्रश्न, दोहा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्ध मात्रिक छंद होता है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। सिर्फ मात्रा पूछी थी, कितनी मात्राएं होती हैं पहले चरण में? तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होती है, अर्ध मात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न पूछा था, ये छंद से हो गया प्रश्न और ये अलंकार से है, कौन सा उदाहरण शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, अलंकार को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक शब्द अलंकार में और एक अर्थालंकार में, मतलब शब्द अलंकार के उदाहरण होते हैं कुछ, और कुछ अर्थालंकार के उदाहरण होते हैं, तो इन दोनों को हम पढ़ते हैं, इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिया बेसिक के, बताइए उदाहरण इनमें से, तो इनको भी याद रखिएगा। तो इसमें शब्द अलंकार में क्या ऑप्शन था? यमक अलंकार का उदाहरण। अगला आया है वर्णमाला से, ये क्वेश्चन हिंदी में कहां से आया भैया? वर्णमाला, वर्णों की माला, जैसे बचपन से पढ़ते आते हैं वर्णों की माला को, तो कौन सी ध्वनि पूछी है? तालव्य ध्वनि का वर्ण पूछा था यहां पर, कौन सी ध्वनि का? तालव्य ध्वनि का वर्ण पूछा था। तालव्य ध्वनि में ये वाले वर्ण आते हैं, च, छ, ज और झ, ये वाले आते हैं। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ये मैंने लिख दी है आपके लिए, ठीक है। अगला पूछा था, ये भी वर्णमाला से भी प्रश्न है, कौन सा वर्ण किससे है? ये वर्णमाला से ही अघोष है, और कौन से होते हैं? सघोष भी होते हैं ना, सघोष और अघोष, ये वाले वर्ण, तो ये मैंने लिखे हैं आपके सामने, आप पेपर में चेक कर लेंगे 2018 के में, ट और ठा और भी बहुत सारे होते हैं इनके अलावा। तो हिंदी का एक एक टॉपिक लिया गया है, और एक एक टॉपिक से एक एक प्रश्न इस पेपर में लिया गया है, मेरे हिसाब से 2018 का पुलिस का पेपर है, ठीक है। अब पूछा था, इनमें से बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? कौन सा शब्द पूछा है? स्त्रीलिंग शब्द, तो रचना उसमें सही ऑप्शन था, है ना, रचना होता है या रचना होती है, रचना किया जाता है या रचना की जाती है, तो इसी से आप सेंस लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, तो रचना होती है, रचना की जाती है, ना कि किया जाता है, गलत तो नहीं है सर? तो आंसर क्या हो गया सर? स्त्रीलिंग शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रचना, बाकी के तीन ऑप्शन इसमें गलत है। अब जो पांच प्रश्न आपके यहां पूछे हैं, पांच प्रश्न किससे पूछे हैं आपके? गद्यांश से, गद्यांश की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, गद्यांश पांच का मतलब है 5×2=10 मार्क्स, 10 नंबर का गद्यांश आपको मिलने जा रहा है, और वो भी बहुत सरल है, प्रैक्टिस कीजिए, एक प्रश्न इसमें से तो गलत नहीं होना चाहिए गद्यांश में से भाई साहब आपका,
ठीक है बाबूजी, शेयर करते रहना क्लास को, हिंदी में पूरे नंबर लाओगे। मैं तो सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो भी होगा वो पढ़ाई जाएंगी क्लास आपको जीएस के अलावा हिंदी की, ठीक है। ये गारंटी और दावा है कि भाई पुलिस में तो कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ा देंगे हम तो, आई चिंता ना करो आप। गोदान एक उपन्यास है, किनका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का, जो कि हिंदी में एक टॉपिक है लेखक और रचनाएं, लेखक और रचनाएं, ये भी हिंदी का एक टॉपिक है। तो देखो 2018 के पुलिस के एग्जाम में कौन कौन सी रचनाएं पूछी हैं, तो कौन सी रचनाएं पूछी है, गोदान उपन्यास किसका पूछा है, मुंशी प्रेमचंद का। बीजक किसकी रचना है, कबीरदास जी की, कबीरदास जी की एक साखी भी है, एक शब्द भी है, एक रमैनी भी है, एक बीजक भी है। जे कबीरदास जी की रचनाएं, जे चारों रचना याद रखना कबीरदास जी की, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद का गोदान तो बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों के ऊपर है, और बहुत सारी अलग अलग इसमें गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने कहानियां लिखी हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी किसका नाटक है, इस नाटक के रचयिता बताना है। अंधेर नगरी के नाटक के रचयिता का नाम आपको बताना है, तो आंसर है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद कहां के रहने वाले थे, कहां जन्म हुआ था, वाराणसी में, तो इनसे ये पूछा गया। अगला प्रश्न भी जयशंकर प्रसाद का था, कामायानी किसकी रचना है, कामायानी किसकी रचना है, तो ये भी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायानी, ठीक है। तो तीन प्रश्न आप किनसे, एक दो तीन चार प्रश्न किससे देख रहे हैं इस पेपर में, रचनाओं से। तो चार दूनी आठ, आठ नंबर की रचना ही रचना आज पूछी गई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका हिंदी का, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत शक समस्या लगी हो तो आप बताइएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको पेपर का डिस्कस था, विश्लेषण करना था, किस हिसाब से आपको हिंदी के टॉपिक अपने तैयार करने और कहां कहां से तैयार करने, कौन से टॉपिकों पर विशेष आपको निगाह रखनी है। अगर इस पूरी हिंदी में देखें कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे गए, तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा प्रश्न एक तो गद्यांश वाले पांच प्रश्न है, जिसके कितने नंबर हैं, 10 नंबर, जो आराम से सही कर सकते हो प्रैक्टिस करके। और दूसरा सबसे ज्यादा रचनाएं पूछी गई हैं, 10 और 8 18, ये दोनों पार्ट सबसे बड़े हैं। बाकी के हर एक पार्ट में एक एक प्रश्न पूछा गया है, चाहे काल से पूछा गया हो, तत्सम तद्भव हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे संधि पूछी गई, चाहे समास पूछे गए हो हिंदी में, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, कोई दिक्कत शक समस्या हो तो उसे आप अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी योजना और प्लानिंग के साथ पढ़ते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है यूपी पुलिस का, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करें। सभी अपना विशेष ख्याल रखें, सभी को नमस्कार, राधे राधे।